गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं निशांत डाय फिजिक्स टीचर। बेटा अब तक हमने सारे टॉपिक पढ़ लिए थे मोशन चैप्टर के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी किए थे, बहुत बढ़िया बढ़िया। उसी का सेकंड पार्ट देख आया न्यूमेरिकल का। थोड़े पहले हमने इजी किए थे न्यूमेरिकल, अब थोड़े हाई लेवल के करते हैं, ठीक है। थोड़े डिफिकल्ट होंगे लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहना है। उन्हीं डिफिकल्ट को मैं चुटकी बजाते ही आप लोगों के लिए क्या कर दूंगा, आसान कर दूंगा, ठीक है। उस लेवल के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जामिनेशन भी आते हैं, जितने भी आपके स्कूल के टीचर्स हैं सब वो एग्जाम उस टाइप के न्यूमेरिकल फर्स्ट चैप्टर से देते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग आज स्टार्ट करते हैं मोशन के सेकेंड पार्ट न्यूमेरिकल्स का। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, मेरी साइट है एनकेवी फिजिक्स क्लासेस के नाम से, नीचे कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ताकि और शेयर कीजिए, ताकि सारे बच्चे जो भी जिनको रिक्वायरमेंट है स्टडीज की वो आराम से पढ़ सके, ठीक है। तो आज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल पार्ट टू ऑफ मोशन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे सबसे घातक वाला क्वेश्चन, सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये रहा, देखिए कह रहा है, स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। समझते पहले क्वेश्चन को क्या कह रहा है। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन है बड़ा सा क्वेश्चन लेकिन समझने के लिए बहुत ही आसान है। इस टॉपिक से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है ना, इससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन आप जब ही कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो वही तो हम लेके बैठे हैं, हमें तो समझाएंगे कॉन्सेप्ट आपके कैसे क्लियर होंगे फिजिक्स के, ठीक है ना बाबू, ओके, ठीक है। वो क्या कह रहा है गालिब, वो कह रहा है स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका गया, ऊपर आसमान की तरफ, ठीक है। मैं यहां बना रहा, छोटी सी फिगर सी बना रहा, बढ़िया छोटा सा डायग्राम, एक स्टोन, एक आदमी खड़ा है, मान लेता हूं आप हो यहां पर बहुत छोटे से नन्हे से मुन्ने से, ठीक है। आप लोग कहां फेंक रहे हो, आपके हाथ में एक पत्थर है, पत्थर को आप ऊपर की तरफ होकर, पत्थर फेंक दिया आपने ऊपर, ठीक है, ये फेंक दिया आपने, उछाल दिया, उछाल दिया, तो आपने यहां से यहां तक का डिस्टेंस कोई ना कोई होगा ऊपर की तरफ उछाला। अब ये सपोज करते हैं, यहां कह रहा है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी, यू मान लेता हूं कितना, 5 मीटर पर सेकेंड, यू क्या है आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है जी, इनिशियल वेलोसिटी। बहुत आराम आराम समझेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, टेंशन मत लो। एक पत्थर को, एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका गया, ठीक है, कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, समझ आ गया। वो एक्सेलरेट की जो डायरेक्शन थी वो नीचे थी। अब यहां देखो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है एक्सेलरेशन का, यहां पर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं, लेकिन जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में जानेंगे। अभी आप लोग ये जान लीजिए, जब भी कोई बॉल ऊपर की तरफ मूव होती है, ठीक है, तो ग्रेविटी क्या करती है, उसे खींचती है, मतलब उसे तो जाना चाहिए नीचे, लेकिन हम लोग क्या कह रहे हैं, उसे ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम ग्रेविटी के क्या कर रहे हैं, अगेंस्ट में जा रहे हैं। जब हम किसी भी ग्रेविटी के अगेंस्ट में कोई चीज फेंकते हैं, सपोज करते हैं ये पैन है मेरे पास, इस पैन को मैं ऊपर उछाल रहा हूं, और जाना कहां चाहिए, वो नीचे की तरफ, क्यों, ग्रेविटी उसे क्या करती है, खींचती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इसका मतलब क्या है, जब मैं इसे ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, पैन को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, तो वो किसके अगेंस्ट में चल रही है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में चल रही है, चल रही है ना, चल रही है, ठीक है। यहां पर जब भी कोई चीज ग्रेविटी के अगेंस्ट में चलती है, किसी भी चीज के अगेंस्ट में चलती है, तो साइन कौन सा आता है आपको, माइनस का साइन आता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। जब कोई किसी के अगेंस्ट में चलता है तो वो साइन कौन सा आता है, माइनस का। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आप लोग घर में हो, ठीक है, एक आपकी चल रही है, आपको देखनी है रामायण और आपके फ्रेंड को देखनी है महाभारत, ठीक है, तो आप लोगों में बहस चढ़ जाए कि आप दोनों इक्वल देख सकते हो, नहीं देख सकते, आपका मन कर रहा है आप रामायण देखोगे, उनका मन कर रहा है वो क्या कहेंगे महाभारत, तो आप दोनों में लड़ाई चढ़ जाएगी, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हो, अपोज कर रहे हैं भाई, या तो महाभारत चला या फिर रामायण चला,
ठीक है, चलती किसकी है, एक ही की चलती है, ठीक है। तो यहां पर भी वही होता है, जहां पर क्या, जब आप किसी चीज को किसी के अगेंस्ट में लेके जाते हो तो साइन कौन सा आता है आपका, माइनस का साइन आता है, याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। अभी लोग पत्थर ही क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ग्रेविटी क्या करेगी, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, या की अर्थ है ये, क्या आपके पास अर्थ, तो इसे अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी, लेकिन बॉल जो जा रही है, वो जो पत्थर जा रहा है, वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, कर रहा है ऊपर की तरफ मूव, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन डायरेक्शन उसे क्या रहती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन कहते हैं हम लोग, क्लियर रहेगा, ठीक है। डायरेक्शन नीचे की तरफ रहती है, इसलिए क्वेश्चन में लिखा है डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई है, जब बॉल ऊपर की तरफ जा रही थी, नेगेटिव, और वो वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, वो वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, आराम से समझेंगे, कोई चीज अपोज में जा रही है तो कौन सा होगा साइन, नेगेटिव, लेकिन जब बॉल ऊपर से नीचे आ रही होगी, जब बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होगी तो क्या होगा, क्या वो अपोज में चलेगी ग्रेविटी के, नहीं ना, वो ग्रेविटी के साथ साथ चलेगी, ग्रेविटी भी सभी तरफ खींचना चाह रही है, बॉल भी नीचे आ रही है, तो साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव का साइन, तो जब ये ऊपर से नीचे आएगी तो साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव, क्लियर हो गया, समझ आ गया, अगेंस्ट में जाएगी तो नेगेटिव, और सीधी नीचे आएगी तो सेम चलेगी तो हमेशा पॉजिटिव, क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां पर वो कंडीशन दे रखी है, उसने कह रहा है कि बॉल जो है वो ऊपर की तरफ जा रही थी, ये बॉल है आपकी, बॉल जो है वो ऊपर की स्टोन जो था वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, ठीक है। अब ये सपोज करते हैं, इमेजिनेशन करो, ये मेरे पैर को, या मेरे पास एक स्टोन है, मैंने ऊपर की तरफ फेंक दिया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 3 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेट कितना कर रहा था, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड। इस पर अब ये देखो, जब क्या वो हमेशा ऊपर ही जाता रहेगा, नहीं ना, वो एक टाइम पर रुकेगा, फिर वो नीचे आ जाएगा, रुके तो आएगा, या अगर कंटिन्यूअसली चलता वो ऊपर की तरफ तो क्या वो नीचे आता, नहीं आता ना, वो कुछ ना कुछ टाइम के लिए ऊपर रुकेगा, फिर नीचे आ जाएगा, कभी करके देखना प्रैक्टिकली, ठीक है। तो यहां पर जो ऊपर गया, यहां पर फिर वो नीचे आ गया, ठीक है, यहां पर जो ऊपर गया वो कौन सी कंडीशन में आ गया, रेस्ट पर आ गया, और रेस्ट पे हमें पता है कि वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो वेलोसिटी यहां पर क्या हो जाएगी, यहां पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, कहां पर, टॉप पर, क्लियर हो गया बच्चे। तो यू वी क्या है आपकी, फाइनल वेलोसिटी। उम्मीद करता हूं कि सबको समझ आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर अब वो पूछा क्या है, उसने पूछा है आपसे कि व्हाट विल बी द हाइट अटेंड बाय द स्टोन, वो कह रहा है कि जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा था स्टोन, वो कितनी ऊंचाई तक गया, डिस्टेंस कवर कितना किया, फिर कह रहा है कि आप लोग बताइए टाइम, कि कितना टाइम लगा, क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ आ गया, ठीक है। अब याद रखो, हमारे पास एच चाहिए, मतलब इसी को हम जब डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कर रहा था, हमें तीन इक्वेशन बता दी, कौन कौन सी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यही था, एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही था, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही था, ठीक है। अब याद रखो, मेरे पास यू है, मेरे पास वी है, ठीक है, मुझे निकालना क्या है, एच निकालना है, एच क्या है, डिस्टेंस, और ये भी एच क्या होता है, डिस्टेंस, तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, वी है, यू है, मेरे पास क्या निकालना है, एच निकालना है, एक्सेलरेशन है, तो मैं थर्ड इक्वेशन को लगा दूं, सिंपल लगा देता हूं, सॉरी, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, यहां एच की जगह क्या लिखना है हमें, एच, या फिर अगर कंफ्यूज ना हो तो ऐसे लिख दो, यहां पे भी लिख देना एस, ठीक है, ताकि याद रहे आपको। तो v की बात क्या है, v कितना आपके पास फाइनल वेलोसिटी, जीरो, ठीक है, u की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है, माइनस का 10, कितना है, माइनस का 10, s आपको निकालना है, s क्या करना है आपको, निकालना है, तो आप सीधा निकाल लो, सीधा कैलकुलेशन करके क्या होगा, 0 5 5 25 प्लस, सॉरी माइनस प्लस कितना होता है, माइनस 20 इंटू एस, क्लियर, 20 को उधर ले जाए तो प्लस का हो जाएगा, 20 into s 25, तो s इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास, s इक्वल्स टू 25 upon 20, क्लियर हो गया, कितना हो गया, 5 4 20 5 5 25, तो आपके पास आंसर कितना आ गया,
1.25 meter. 1.25 meter इज द आंसर. कोई दिक्कत? यहाँ पर क्या निकल गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस. उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गया होगा. बहुत इजी है, आराम समझा रहा हूँ. जितना इजी हो सके उतना आपको समझा रहा हूँ. ठीक है, समझ आ गया. ठीक है, इसे उतारो फटाफट. फिर वो कह रहा है आपके, इसे उतारो फटाफट, हो सके उतार लेना. ठीक है, फिर वो कह रहा है आप लोग टाइम निकालिए. इन तीनों में से इक्वेशन कौन से लगाओ जो टाइम निकालो? पहले लगा दो. ठीक है, एसेलेरेशन भी है, वी भी है, यू भी है, टाइम निकाल दो. तो बी इक्वल टू क्या होगा? यू प्लस 80. क्लियर? वी आपके पास 0, यू कितना आपके पास 5, प्लस एसेलेरेशन कितना माइनस का 10, टी आपके पास निकालना. ठीक है, तो ये कितना होगा? 0, 5 प्लस माइनस माइनस इंटू 10. 10 को उधर ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो गया आपके पास 5. टी इक्वल टू 5/10 कितना आ गया? 0.5 सेकेंड. 0.5 सेकेंड आपके पास क्या आ गया? आंसर 0.5 सेकेंड आपका आंसर. मतलब जब आपने स्टोन को उछाला कितनी वेलोसिटी से? 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से. एक्सेलरेट हुआ माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो आपका डिस्टेंस कितना आया? कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने स्टोन ने? 1.25 मीटर. और टाइम कितना लगा पहुंचने में? 0.5 सेकेंड. देर हो गया. ठीक है, बहुत सिंपल है, इसे उतारो फटाफट, फिर आगे न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग. बहुत अच्छे सा, बहुत बढ़िया सा. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी. कह रहा है एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड. एक सर्कुलर ट्रैक है, एक आपके पास सर्कुलर ट्रैक है. ठीक है जी, बहुत सिंपल है, जिसका डायमीटर जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 200 मीटर डायमीटर दे रखा है. ठीक है, इसका डायमीटर लिख लेता हूं. डायमीटर वो कितना है आपके पास? 200 मीटर. तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका? आधा कर दो इसका, तो रेडियस कितना हो गया? 200/2 इक्वल टू कितना हो गया? 100 मीटर. क्लियर हो गया, इसका रेडियस कितना हो गया? 100 मीटर. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन. वो कह रहा है आपसे, वो एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड. ठीक है, वो कह रहा है कि एथलीट है, एथलीट जो है वो सर्कुलर राउंड लगाता है. ठीक है, कितने डायमीटर का है? 200 मीटर डायमीटर का है. एक राउंड जो कंप्लीट करता है ना वो कितने सेकंड में करता है? 40 सेकंड में. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? एथलीट टेक्स 1 राउंड. एथलीट टेक ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बहुत सिंपल. एथलीट टेक 1 राउंड इन कितने? 40 सेकेंड. एक राउंड वो लगाता है कितने सेकेंड में? 40 सेकेंड में. क्लियर हो गया. मतलब यह हम कह सकते हैं इन 40 सेकेंड में कितने राउंड लगाता है वो? 1 राउंड लगाता है. तो 1 सेकेंड में कितना राउंड लगाया उसने? 1/40 राउंड लगाया. क्लियर है? 40 सेकेंड में वो 1 राउंड लगाता है, और 1 सेकेंड में कितना लगाएगा? 1/40 राउंड लगाएगा. ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते आराम से. कह रहा व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड. वो कह रहा है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उस एथलीट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जब टाइम कितना चल रहा था? टाइम कितने टाइम में? 2 मिनट 20 सेकेंड. 2 मिनट 20 सेकेंड दे रखा है ना? हाँ, 2 मिनट 20 सेकेंड. तो मिनट को किस, इस पूरे को किस में चेंज कर लो आप लोग? सेकेंड में. 2 मिनट में कितने होते हैं सेकेंड? 60 प्लस 20, तो हो गया 120 प्लस 20. ये कितना आ गया आपके पास? ये कितना आ गया आपके पास? 140 सेकेंड. क्लियर? 140 सेकेंड. तो यहां आपके पास टाइम कितना निकालना है आपने? आपने निकालना है 140 सेकेंड में
उस एथलीट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक एथलीट है जो कि राउंड काट रहा है किसी भी सर्कुलर ट्रैक का जिसका डायमीटर दे रहता है 200 मीटर, और वो क्या है एक राउंड जो काटता है वो 40 सेकंड में काटता है। मतलब कि लिख सकते हैं 40 सेकंड में कितने राउंड काट रहा है, 1 राउंड काट रहा है। 1 सेकंड में कितना काटेगा, 1/40 राउंड काटेगा। अब वो कह रहा है कि टाइम दे रखा है कि आप लोग ये बताइए कि जब टाइम 2 मिनट 20 सेकंड में, 2 मिनट 20 सेकंड में उसने कितने राउंड काटे, ठीक है, और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ये आपको पता करना है। समझ आया क्वेश्चन? बहुत इजी, हमें टाइम में निकाला 2 मिनट 20 सेकंड, तो यहां पर आपके पास टाइम सेकंड में निकाल लिया, मिनट में कितना होता है 60 सेकंड प्लस 20 कितना हो गया 140 सेकंड, 1 सेकंड का पता चल गया। हमें किसका पता करना है, 140 सेकंड, तो 140 सेकंड में कितने कितने राउंड काटेगा, 140 मल्टीप्लाई अपॉन 40 राउंड काटेगा। ठीक है जी, जीरो से जीरो कैंसिल, तो आपको कितना आ गया 14 3 3.5। तो यहां पर वो कह रहा है कितना आ गया हमारे पास, 140 सेकंड में वो कितने राउंड काटेगा, 3.5 राउंड काटेगा, मतलब 3.5 राउंड काटेगा वो। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है डिस्टेंस। क्लियर? अभी तो हमारे पास राउंड है, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना। अब हम निकालेंगे कैसे डिस्टेंस, देखो जब भी सर्कुलर ट्रैक की बात आती है, कभी भी सर्कुलर पॉइंट की बात आती है, नंबर ऑफ राउंड भी होते हैं आपके पास, डिस्टेंस भी होता है, और आपको क्या निकालना होता है, टाइम भी निकालना होता है, टाइम भी आपके पास। तो हमेशा याद रखना, उसमें एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना, कभी भी गलत नहीं आएगा उससे आंसर, हमेशा याद रखना वो फॉर्मूला, और आगे तक वो फॉर्मूला आपके काम आएगा। ठीक है, तो यहां देखो वो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ राउंड, ठीक है, नंबर ऑफ राउंड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन सर्कमफ्रेंस, क्या, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ये हमेशा याद रख। ठीक है, नंबर ऑफ राउंड इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2πr होता है, मैं यहां लिख देता हूं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है आपके पास, 2πr। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, यहां देखो नंबर ऑफ राउंड आपने निकाल लिए 3.5, तो ये आ गया आपके पास कितना, 3.5। डिस्टेंस आपको निकालना है, डिस्टेंस क्या करना है आपको, निकालना है, तो यहां पर आपके पास सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2πr। क्लियर, तो डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस दोस्तों कितना होगा, 3.5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इंटू 2 इंटू पाई की जो वैल्यू होती है वो याद रखना बच्चे, पाई की वैल्यू होती है 3.14, या फिर हम लोग ले सकते हैं 22/7, तो हम लोग यहां ले रहे हैं 3.14, चलो पहले से ऐसे लिख लो 2πr अपॉन कितना, ये निकालना बस, तो यहां पर आपके पास डिस्टेंस कितना हो गया, 3.5 × 2 × 3.14 इंटू आर, रेडियस कितना दे रखा है आपको, 100 मीटर इंटू 100 मीटर, कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत, तो यहां पर हम लोगों का आंसर से कैलकुलेट करो तो कितना आएगा आपके पास डिस्टेंस, 2200 मीटर। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ गया, 2200 मीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, किसने, किसी एथलीट ने, पूरा सर्कुलर राउंड काटने के लिए कितने टाइम है, 140 सेकंड। क्लियर हो गया, सिंपल क्वेश्चन है, बस समझने की जरूरत है, आराम आराम समझो और सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करो। ठीक है, लेकिन अब पूछा है डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। यहां देखो, यहां आपके पास डायमीटर कितना है, 200 मीटर, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ भी तो हुआ, भैया यहां से लेके यहां तक का शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, हो गया, कैसे पता चला शॉर्टेस्ट पाथ है, देखो ये कह रहा है 3.5 राउंड काटे उसने, कितने मिनट में, 140 सेकंड में, कितने राउंड काटे, 3.5 सेकंड काटे। अब यहां देखो वो यहां से चलेगा, सपोज करते यहां से चलेगा, ठीक है, एक राउंड काटा, दूसरा राउंड काटा, तीसरा राउंड काटा,
यहां पे आ गया 3.5 राउंड काट रहा है, मतलब तीन तो हो गए, एक आधा राउंड काटेगा। आधा राउंड कहां से काटेगा, यहां से चलेगा, यहां पे चलेगा और ये यहां पे रुक जाएगा। आधा राउंड ये तक तो होगा, ठीक है। 3.5 राउंड काट रहा है ना, तो ये पूरा तीन हो गया, एक दो तीन हो गया। और आपके पास जो बचा हुआ कौन सा है, आधा राउंड बचा, तो वो कहां पहुंचेगा, यहां से हटेगा और कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। और हमने डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ा है, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा, ये वाला यहां से लेके यहां तक। और ये कितना डिस्प्लेसमेंट दे रखा है इसका, 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 200 मीटर। कोई दिक्कत, सिंपल है, ठीक है। तो यहां पर आपका डेवलप ऑफसेट क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, मैं उम्मीद करता हूं आपसे सारे सवाल हो जाएंगे, 100% गारंटेड। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी, क्या करनी होगी, प्रैक्टिस करनी। जल्दी उतारो से फटाफट, जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, पढ़ दे। आप स्क्रीन पे जरा करा, जोसेफ जॉक्स फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी ऑफ स्ट्रेट 300 मीटर रॉड इन 2 मिनट एंड 30 सेकेंड एंड देन टर्न्स अराउंड जॉक्स जॉक्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी इन अनदर 1 मिनट। ओके, व्हाट आर जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग ए फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी। समझ आया क्वेश्चन, पढ़ो से जल्दी फटाफट, देखो से समझो क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फिर आपको बताता हूं। देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जोसेफ है जॉगिंग कर रहा है, ठीक है, जॉग कर रहा है और वो कहां से कहां जा रहा है, वो ए पॉइंट है, एक आपका मान लेता हूं मैं बी पॉइंट, क्लियर। वो ए से जा रहा है, कहां जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है। और ए से बी का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 300 मीटर दे रखा है। कितना, 300 मीटर, कितना, क्लियर। वो कह रहा है जब वो ए से बी पे जाता है, ठीक है, उसका डिस्टेंस दे रखा है 300 मीटर, जब वो ए से बी पे जाता है तो कितना टाइम लेता है वो, 2 मिनट 30 सेकेंड। जब वो कितना टाइम लेता है, 2 मिनट 30 सेकेंड, क्लियर। 6 को स्विच में चेंज कर लो 2 मिनट 30 सेकेंड को, तो कितना होगा, 2 × 60 + 30, ये हो गया आपके पास 150 सेकेंड, ठीक है। जब वो ए से बी पे जाता है तो वो टाइम लगाता है कितना, 150 सेकेंड, और डिस्टेंस कितना उसका, 300 मीटर। क्लियर हो गए यहां पे बच्चे, ठीक है, आगे करें। कह रहा है एंड देन टर्न्स अराउंड जॉक्स 100 मीटर बैक, वो कह रहा है कि वो फिर जब वो बी पे पहुंच जाता है तो वो पीछे की तरफ आता है, और वो पॉइंट में मान लेता हूं किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे आता है, ठीक है, पीछे की तरफ आ रहा है, पीछे की तरफ। और कितने मीटर चलता है वो, 100 मीटर चलता है। कितने मीटर चल रहा है वो, 100 मीटर चल रहा है, क्लियर, सिंपल है, ठीक है। और टाइम कितना लगा रहा है वो, जो सी पे आता है वो कहता है 1 मिनट में आ रहा है। कितने मिनट में आ रहा है, टाइम दे रखा है कितना, 1 मिनट। मिनट कितना हो गया, 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग ये बताइए स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी पहले पार्ट में जब वो ए टू बी जाता है, दूसरे पार्ट में जब वो ए टू सी जाता है, क्लियर, ठीक है। अब इसे हम सॉल्यूशन करते हैं इसका, अब बताइए कैसे कैसे करें, बहुत अच्छे से समझेंगे। पहले हम पता कर लेते हैं जब ए से बी की तरफ जा रहा है, स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों निकालने हैं, याद रखो, और दोनों ही अलग होते हैं। बताया था मैंने कि स्केलर होती है, वेक्टर होती है। स्केलर कौन सी होती है, स्पीड, और वेक्टर कौन सी होती है, वेलोसिटी होती है। तो यहां पर देखो, जब वो ए से बी की तरफ गया, ठीक है, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 300 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस जो लिया उसने, पहले हम किसकी बात करते हैं, स्पीड की बात कर लेते हैं। जब वो कहां से कहां गया, ए टू बी पे गया, तो स्पीड ले लेते हैं इधर, इधर ले लेंगे हम क्या, वेलोसिटी। स्पीड की बात करते हैं, डिस्टेंस कितना, 300 मीटर, टाइम कितना लगाया उसने, 150 सेकेंड, क्लियर। टाइम 150 सेकेंड जब ए से बी पे गया, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सबने पढ़ा होगा,
डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना दे रखा है 300, टाइम कितना होगा 150, 15 टू जा 30, तो आपके पास स्पीड कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया, सिंपल है। इस डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है, आप लोग क्या निकाल सकते हो, स्पीड निकाल सकते हो। क्लियर। अब बात आती है वेलोसिटी की। वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, यही होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, वही रहेगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो किसकी बात कर रहा है, ए से बी तक की बात कर रहा है, ए से बी तक की बात कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो यही रहेगा सेम, ठीक है। तो ये भी उतना ही रहेगा 300, टाइम कितना वही सेम 150, तो वेलोसिटी भी कितनी आ गई आपकी 2 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत आराम से समझते हैं। हमारा पहले पार्ट का आंसर आ चुका है, जब स्पीड भी लेकर भी वेलोसिटी कब, जब वो ए से बी पे चल रहा है, ठीक है। यहां तो सिंपल था, इसे उतार लो फटाफट पोज करके, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं जब वो ए से सी की तरफ आ रहा है, ए से सी की तरफ, ध्यान रखना ए से सी की तरफ, स्पीड की बात कर रहे हैं। यहां देखो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस को मैंने आपको बताया था वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या स्केलर क्वांटिटी कभी घटती है, नहीं घटती ना, वो क्या वो नेगेटिव होती है, नहीं होती ना नेगेटिव, वो हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है। तो डिस्टेंस भी क्या होगा आपके पास, स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि स्पीड भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस क्या होगी प्लस होगी। देखो कैसे गया था वो, पहले ए से बी पे गया, फिर बी से किस पे आ गया सी पे, मतलब जब वो ए से बी पे गया तो कितना ट्रेवल किया उसने 300, ठीक है 300, और फिर बी से सी पे आया उसने कितना ट्रेवल किया 100, कितना ट्रेवल किया 100, समझ आ गया। ए से बी पे गया फिर बी से सी पे गया, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है हमेशा प्लस होता रहता है। तो यहां पर कितना हो गया, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं इन कॉन्सेप्ट में, लेकिन आपको गलती नहीं करनी क्योंकि आप लोग मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, डिस्टेंस कितना हो गया 400 हो गया डिस्टेंस, टाइम कितना लगेगा, टाइम देखो टाइम भी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, वो भी क्या होगी प्लस। यहां से जब वो यहां चला कितना था 150 सेकंड लिया उसने, ठीक है, टाइम कितना लगा उसको 150 सेकंड, फिर वो बी से सी पे आया तो कितना टाइम लगाया उसने 60 सेकंड, ठीक है प्लस 60 सेकंड, तो कितना हो गया 0 1 2 2 1 0 सेकंड, कोनो दिक्कत, प्लस किया टाइम भी, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना 400, कितना हो गया इतना, ठीक है जी। तो आपके पास 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो आपके पास स्पीड कितना आ गया 40/21। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, ऐसा कैलकुलेट करके जैसे हमने निकाला, इसे जल्दी कैलकुलेट करो फिर हम आंसर निकालते हैं इसका, तो इसका आंसर 21.90 मीटर, ठीक है, कितना आ गया 1.90 मीटर। ये आपको क्या निकल गया, ये आपको क्या निकल गया, हमारा स्पीड निकल गया, कब, जब यहां से यहां गया और यहां से यहां आया। क्लियर हो गया बालक, बालक क्लियर हो गया, नहीं हो गया, आराम से हो गया ना होगा, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करेंगे अब वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखना, वेलोसिटी का फॉर्मूला हमेशा बताता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, सारे दोबारा बता रहा हूं कॉन्सेप्ट। अरे देखो जब वो यहां से यहां गया, यहां से आ गया, वो तो लंबा रास्ता हो गया, हमें कौन सा चाहिए होता है इसमें, सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटा रास्ता आने का कौन सा है, मतलब वो ए से सी पे आ गया डायरेक्ट, तो छोटा रास्ता तो यही है, ये थोड़ा ना घूम के आएगा, पहले ए से बी पे जाएगा, बी से सी पे आएगा, कैसे थोड़े ना होगा। तो यहां पर कितना होगा, ए से सी पे आ जाएगा डायरेक्ट, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां से यहां तक का भाई, ये पूरा 300, ये पूरा 100 था, 300 में से 100 गए कितने बचेंगे यहां से यहां तक का 200 मीटर, यहां से यहां तक का कितना हुआ 200 मीटर। क्लियर हो गया, हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल चुका है, छोटा सा डिस्टेंस था, इनिशियल पॉइंट शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट कितना है 200। क्लियर हो गया, ये हो गया आपके पास 200। टाइम कितना लगा यहां से यहां तक का टाइम, अब बताओ कंफ्यूज जाओगे,
यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ क्या टाइम कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्या स्केलर क्वांटिटी हम शॉर्टेस्ट पाथ या फाइनल पाथ देखते थे? नहीं देखते थे। वो हमेशा कौन सी होती है? स्केलर। स्केलर क्या होती है? हमेशा प्लस होती है। टाइम कितना लेंगे? ये पूरा टाइम लेंगे। टाइम पूरा कितना? 150 और कितना लगा? 60 टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना हो गया? यही लेंगे हम लोग टाइम, कितना? 210। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो आप लोग इसे दोबारा रिपीट करके देखो। अगर फिर भी आ रहे तो मेरे पुराने लेक्चर देखो, जहां मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कराए थे सारे के सारे। ठीक है, तो यहां पर आप लोग कैलकुलेट करोगे, जल्दी कैलकुलेट करो उसे फटाफट, तो आपके पास आंसर कितना आएगा? यहां से जीरो कैंसिल हो गया, तो 20 / 21 तो 0.9 आपके पास आंसर आ गया। कितना? मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी आपके पास कितनी आ गई? 0.9 मीटर पर सेकेंड। यह आपके पास कितना आ गया? आंसर आ गया। क्लियर है? तो यहां पर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां पर जितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, बहुत अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपके पास नहीं आएगी। ठीक है, तो यहां पर 0.95 के आसपास आएगा, 0.95। क्लियर? तो यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखेंगे, वेलोसिटी, यहां सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आप लोग न्यूमेरिकल लगा पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं वो आप लोग देखिए, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, आपके स्क्रीन पर ये रहा, बहुत बड़ा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा, अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर ए ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब वो जहां था वो अपने स्कूल में गया, वो पहले कहां खड़ा था? मैं मान लेता हूं यहां खड़ा था वो पहले अब्दुल। ठीक है, यहां इसका बढ़िया सा स्कूल है, ये स्कूल है। ठीक है, तो उसकी जो एवरेज स्पीड चल रही थी वो कितनी चल रही थी? उसकी एवरेज स्पीड बोले जाता हुआ कितना? 20 किलोमीटर पर आवर। कितनी? 20 किलोमीटर पर आवर, जब वो यहां से स्कूल गया। क्लियर? फिर आगे कह रहा, ऑन हिज रिटर्निंग ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट, जब वो वापस आया, ठीक है, जब वो वापस आया तो उसकी जो स्पीड थी वो कितनी स्पीड चल रही थी? वो स्पीड थी आपकी 30 किलोमीटर पर आवर। दोबारा, अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑन हिज रिटर्निंग ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट, जब वो वापस उस ट्रिप से आया सेम रूट से, तो देयर इज अ लेस ट्रैफिक एंड एवरेज स्पीड। जब वो वापस आया था तो ट्रैफिक कम था, पहले ट्रैफिक क्या था? ज्यादा, इस वजह से उसको स्पीड क्या हुई? कम लगी। अब ट्रैफिक है ही नहीं, खाली रोड थी, तो स्पीड कितनी हो गई थी उसकी? 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप, उसकी एवरेज स्पीड आपको निकाले, एवरेज स्पीड निकाले। कैसे निकालोगे इसे एवरेज स्पीड? देखो, कितने भी क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, एक सबसे छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा, वहां से इसके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। सिर्फ एक छोटा सा ध्यान रखना, एवरेज स्पीड हमेशा याद रखना, एवरेज स्पीड, जब भी एवरेज स्पीड निकालनी हो, एवरेज स्पीड वो होता है 2 × ठीक है, S1 × S2 / S1 + S2। S1 S2 क्या है? स्पीड है। ठीक है, याद है, S1 क्या स्पीड, S2 क्या स्पीड, 2 × S1 × S2 / S1 + S2। बस ये फॉर्मूला लगा देना, आपके आंसर निकल जाएगा। देखो सिंपल सा, कितना होगा? 2 × 20 × 30 / 20 + 30। क्लियर? कितना हो गया? 2 जब, चलो ऐसे लिख लेते हैं अभी, पहले नीचे जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा, कितना हो गया? 50। 0 से 0 5 4 20, कितना होगा? 2 × 4 = 8 / 8 = 24। 24 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर। कोई दिक्कत? सिंपल सा फॉर्मूला, कौन सा? 2S1 / S2 / S1 + S2। आप एवरेज स्पीड यहां से निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी तरह से फटाफट आपके स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है मोटर बोट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक मोटर बोट है जो कि स्टार्ट कहां से हो रही है? रेस्ट से। जब कोई भी मोटर बोट एक रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाती है जब वो रुकी होती है? 0। क्लियर हो गया? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सारे, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। एक मोटर बोट है, बहुत बढ़िया सी मोटर बोट, ये बहुत बढ़िया सी मोटर बोट, इसके ऊपर आप बैठे हो, ठीक है, चला रहे हो खच 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 कर, ठीक है, तो वो कह रहा है कि वो कहां से स्टार्ट हुई मोटर बोट?
वो रेस्ट से स्टार्ट हुई और रेस्ट पे वेलोसिटी क्या होती है जीरो, ठीक है, रेस्ट पोजीशन से वो स्टार्ट हुई, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी जीरो, यू मैंने इनिशियल वेलोसिटी मान लिया। आगे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट, एक्सेलरेट कर रही है कितने, एक्सेलरेट कितनी कर रही है वो जब वो इधर चल रही थी स्ट्रेट लाइन में 3 meter per second square कोई लेकर। आगे बढ़ते हैं, सॉरी वो कह रहा है कितना टाइम लगाती है वो 8 seconds, टाइम भी दे रखा है उसने कितना 8 seconds, निकालना क्या कह रहा है, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, वो कह रहा है 8 seconds में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी डिस्टेंस, और वो सेम लाइन पे एक्सेलरेट कर रही, यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कर रही है, तो हमारे पास फॉर्मूले कौन कौन से, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और लास्ट कौन सा होता है v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, क्लियर। देखो कौन सा लगा लो फॉर्मूला, यू है आपके पास, ठीक है, यू है आपके पास, टाइम है आपके पास, एक्सेलरेशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो आपको क्या निकालना है, एस निकालना मतलब डिस्टेंस निकालना है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो तो एस इक्वल टू क्या होगा ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, एस यू कितना आपके पास जीरो, ठीक है, जीरो इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू 3, टाइम आपको दे रखा है 8, क्लियर हो गया 8 का स्क्वायर, ये तो जीरो हो जाएगा, हो जाएगा 1/2 3 इंटू 8 इंटू 8, 2 1 2 2 4 8 कितना आ गया जी 3 4 4 8 32, तो ये हो गया 3 3 2 6 3 3 9 96 किसमें दे रखा है ये मीटर पर सेकंड में है ना 96 meters, क्लियर हो गया 96 meters आपका क्या आ गया रे बबुआ आंसर आ गया, वो कितनी बोट चली 96 meters, कोनो दिक्कत कोई भी दिक्कत नहीं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, सब बताइए प्रैक्टिस कीजिए जल्दी से जल्दी फटाफट, अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छे, अगर इधर उधर ध्यान दिया तो पाप चढ़ेगा, बहुत गंदा वाला पाप चढ़ेगा कल ही बता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन, काफी बड़ा क्वेश्चन है, किरण सैटेलाइट एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, एक सर्कुलर ऑर्बिट पे आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव कर रही है, क्या कर रही है रे बबुआ मूव कर रही है, तो हमें कहां निकालना है इसमें, पढ़ो क्वेश्चन में जल्दी अच्छे से, वो कह रहा है एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, सैटेलाइट किसने मूव करती है अर्थ के मूव करती है, ठीक है जी, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ऑर्बिट पे मूव कर रही है, ये आपकी कोनो है ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट है आपके, ठीक है जी, वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। आगे पढ़ते हैं, कह रहा है मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ अ रेडियस 42,250, इसका जो सर्कुलर रेडियस है कितना है 42,250 किलोमीटर, और तेरी बहुत बड़ा है तो है ही, यूनिवर्स की बात हो रही है तो डिस्टेंस क्या होगा ज्यादा ही होगा, ठीक है जी। कह रहा कैलकुलेट स्पीड इफ इट टेक 24 आवर्स, टाइम दे रखा है कितना 24 आवर्स, कैलकुलेट द स्पीड इफ इट टेक 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, वो कह रहा है कि एक सैटेलाइट एक अर्थ के राउंड चक्कर काट रही है और वो एक 24 आवर्स में एक चक्कर लगाती है वो, तो ठीक है जी, तो आपको निकालनी है उसकी स्पीड, क्या निकालनी है स्पीड निकालनी है, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्पीड इफ द अर्थ इफ द सैटेलाइट आर मूविंग रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन 24 आवर्स, ठीक है, तो 24 आवर्स पे आपको निकालनी है कि जब 24 घंटे में वो सैटेलाइट इस अर्थ के रोटेट करती है तो आपको क्या निकालनी है उसकी स्पीड निकालनी, पहले 24 आवर्स को कितना कर दो सेकंड में, 24 आवर्स इंटू 60 इंटू 60 ये हो गया सेकंड में, ठीक है जी, तो ये हो गया आपके पास सेकंड में टाइम, ठीक है कोनो दिक्कत, ठीक है, आपको पास क्या निकालना है स्पीड निकालनी, क्या निकालनी है बबुआ स्पीड, स्पीड होती है क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है जी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक चीज और बताना चाहता हूं, जब भी अगर आपको पता है, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो सुन लो, जब भी हम सर्कुलर पाथ की बात करते हैं हम डिस्टेंस क्या लेते हैं, डिस्टेंस यहां डिस्टेंस क्या लेते हैं सर्कमफेरेंस, क्यों, क्योंकि वो सर्कल में मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इसलिए हम डिस्टेंस क्या लेते हैं सर्कमफेरेंस, तो हम यहां क्या लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल,
सर्कम फ्रेंस और सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कम फ्रेंस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। क्लियर है बबुआ? सर्कम फ्रेंस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कम फ्रेंस का फॉर्मूला बताया था कितना होता है, 2πr टाइम। स्पीड आपको निकालनी है, 2 × π की वैल्यू बताई थी 3.14, यहां पाई की वैल्यू भी लिख लेना कितनी 3.14। आर आपके पास दे रखा है कितना 42250, इसको किसमें कन्वर्ट करो, मीटर में, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, 1000 मीटर। एक किलोमीटर में, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, यहां कितना हो गया आपके पास 1000 मीटर। टाइम कितना आपके पास 24 × 60 × 60 क्लियर हो गया, जो कट रहा है काट दो, 1 0 से 1 0 गई, ठीक है, और ये हो गया 2 1 2 2 1 2 2 2 4, एक और काट दो 2 6 12 2 2 4 2 1 2 2 2 4 2 5 10, तो आपके पास आंसर कितना आ गया, एस कैलकुलेट करो 3.14 × 2 1 1 2 5, ठीक है, × 10 अपॉन 6 × 6 × 6, इसे डिवाइड करो तो आपके पास जो आंसर आएगा डिवाइड करके वो आएगा आपके पास 3070.9, क्या निकाली थी आपको, स्पीड मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ 3070.9 मीटर पर सेकेंड, एक मीटर में स्पीड कितनी चल रही है आपकी 3070.9 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड चल रही है, कब, जब वो सैटेलाइट मूव कर रहे थे सर्कुलर ऑर्बिट पर, किसके अराउंड, अर्थ के अराउंड, कितना टाइम है 24 आवर्स। क्लियर हो गया, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन समझ आओगे, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं इससे अलग कोई क्वेश्चन आएंगे नहीं, इतने ही सारे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बेस होते हैं इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर, जितने भी मैंने अब तक कराए, प्रैक्टिस कीजिए इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपनी न्यूमेरिकल वैल्यूज की कैलकुलेशन भी बहुत सही रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर थोड़ी भी कैलकुलेशन गलत होती है तो आपके आंसर्स गलत आते हैं, ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं, कोई भी दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जय हिंद जय भारत।